हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ एडिटिंग टिप्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूब के बारे में। दोस्तों किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से या एप्पल की मोबाइल से आपके यूट्यूब चैनल के लिए 3D सब्सक्राइब एनिमेशन इंट्रो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है 3D सब्सक्राइब एनिमेशन इंट्रो किसको कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे माय एडिटिंग टिप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसी को कहते हैं सब्सक्राइब एनिमेशन इंट्रो, वो भी 3D में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की है। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका नाम सर्च करना है, आपके चैनल का नाम सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं मेरे चैनल का नाम सर्च कर रहा हूँ, माय एडिटिंग टिप्स। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम सर्च किया है। फिर यहाँ पर आपको आपके चैनल को ओपन करना है। चैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सब्सक्राइब दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके चैनल का सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करना है। बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की है। तो अब आपको बैक जाना है। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करना है। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो सेव करने के बाद यहाँ पर आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। यहाँ पर जो प्लस वाला आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर 16.9 लिखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर मीडिया वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको वीडियो सिलेक्ट करना है। दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद लेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर मीडिया वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर मैं वीडियो को काट रहा हूँ यानी छोटा कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं आगे सरकाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने वीडियो को काट दिया है, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए सब्सक्राइब हो चुका है, बेल आइकन को भी क्लिक किया है। इसको आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। अभी मैं वापस एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को काटने के बाद यहाँ पर आपको लेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर मीडिया वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको फोटोज़ में जाके मोबाइल की फ्रेम लेनी है। दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फ्रेम को, मोबाइल की फ्रेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल की फ्रेम को सेट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल के फ्रेम के साइज़ को बढ़ा लेना है। जितना अपना वीडियो है उस हिसाब से आपको बढ़ा लेना है। तो अभी आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए सब्सक्राइब पे क्लिक हो रहा है, फिर बेल आइकॉन पे क्लिक कर रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, लेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर मीडिया वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर आपको ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो सिलेक्ट करना है। दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रोमो की को अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके चैनल का जहाँ पर सब्सक्राइब हो रहा है वहाँ पर इस हाथ को आपको सिलेक्ट करना है।
दोस्तों यहाँ पर मेरा सब्सक्राइब हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, एक बार करके देखते हैं टाइमिंग बराबर हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाथ को एडजस्ट करना है, यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं हाथ को अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया, अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपका सब्सक्राइब है वहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाथ पे दबाया, सब्सक्राइब पे क्लिक हो रहा है। फिर यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन को कट करना है। कट करने के बाद आपको बेल आइकॉन पे इस हैंड को सिलेक्ट करना है। बेल आइकॉन जहाँ पर है वहाँ पर आपको इस हाथ को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सब्सक्राइब पे क्लिक हो रहा है, फिर यहाँ पर बेल आइकॉन पे क्लिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बेल आइकॉन पे क्लिक हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनने के बाद यहाँ पर इस वीडियो को आपको सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, सेव यानी एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं HD में सेव कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सेव करना है उस वीडियो को। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको बैक जाना है काइनमास्टर को। फिर यहाँ पर आपको फिर से ओपन करना है प्लस वाले आइकॉन पे, न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो सेव किया था उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वीडियो सेव किया था वो बन चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। आपने जो वीडियो सेव किया था उसको वापस एक बार लेना है लेयर पे और क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो वीडियो हो चुका है एक और। फिर यहाँ पर आपको जहाँ पर आपका सब्सक्राइब क्लिक होता है वहाँ पर आपको कट करना है, यानी जो लेयर वाले वीडियो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कट करना है, यहाँ पर आपको कट करना है। कट करने के बाद ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको बेल आइकॉन के वीडियो पे क्लिक करना है, कट कर देना है। कट करने बाद इस वीडियो को आपको हटा देना है, यानी डिलीट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो के नीचे सिर्फ दो वीडियो सिलेक्ट किया है जहाँ पर आपका हैंड इस्तेमाल हो रहा है, यानी आपके हाथ है वो सब्सक्राइब कर रहा है, उस वीडियो को नीचे मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे वाला वीडियो इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एनिमेशन में पॉप करके लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो चाबी वाला आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इस वीडियो को आपको क्रॉस करना है आपके हिसाब से, मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ वीडियो को और ओके कर देता हूँ। अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से बन जाएगा। फिर आपको दूसरे वीडियो को भी उसी तरह से करना है। एनिमेशन यहाँ से आपको इन एनिमेशन पे क्लिक करना है, पॉप पे क्लिक करना है,
क्रिया से आपको इसे सिलेक्ट करके चाबी वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से क्रॉप कर देना है। आप आपके हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से किया है। फिर मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से 3D सब्सक्राइब एनिमेशन इंट्रो बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको इस वीडियो को सेव करना है, सेव यानी एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो सेव हो चुका है। फिर अभी आपको वापस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपने जो वीडियो सेव किया था उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी आपको आपका जो साउंड है वो डालना है, यानी आपकी जो आवाज़ है वो डालना है। जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए माई एडिटिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस तरह का आवाज़ आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर देखिए वीको करके लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको आवाज़ रिकॉर्ड करना है, फिर इस वीडियो को आपको सेव करना है। दोस्तों वीडियो सेव करने के बाद किस तरीके से बनेगा मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, जब पूरा बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे माय एडिटिंग टिप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।